लेखपाल एस्पिरेंट्स का ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। जो ये राजस्व लेखपाल का 2015 में एग्जाम हुआ था, ये राजस्व के द्वारा लिया गया था और इसमें कुल जो है 13,600 वैकेंसी आई थी। और अगर 2021 पे नजर डालें तो इसमें जो है 7,882 वैकेंसी है, तो जस्ट आधी वैकेंसी है। आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पे कितना जो कंपटीशन लेवल है वो टफ होने वाला है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी होनी चाहिए। तो जो बच्चे हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, किस बुक को हम लोग प्रिफर करेंगे, कैसी चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए किस बुक को पढ़ेंगे, और हमें अगर ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए किस क्वेश्चंस को या किस बुक को हमें प्रिफर करना होगा। तो UP SSSC अगर हिंदी की बात करें तो इसमें जो है आपके ग्रामर आएगा, वोकेबलरी, यूज ऑफ वर्ड्स, रस, अलंकार रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं हिंदी के, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बट जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उसको लूसेंट एक बुक आती है हिंदी की, उसको पढ़नी है, आपका बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की जो आती है बुक हिंदी, सामान्य हिंदी की, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने को। और अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स से जो क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ना है हमें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सेंट्रल मेजरमेंट, पैरेलल, मीन, मीडियन, मोड। और जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक्स पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टर्स, एरिया थ्योरम, इन चीज़ों को हम लोग को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ज्योमेट्री में अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है। तो मैथ्स के लिए आप लोग को लूसेंट की भी आती है और RS अग्रवाल या फिर SD यादव की बुक आती है, वो आपके लिए बेस्ट बुक होगी। अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको जो पूछा जाएगा, जनरल साइंस जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों आएंगे, करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपन इन डेली लाइफ, जो रोजाना होता है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फोकस विल बी ऑन द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, नॉलेज अबाउट द नेचर एंड स्पेशली ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड हाउ वी गेट फ्रीडम इज एक्सपेक्टेड। अगर इसकी हम लोग बुक की बात करें तो लूसेंट की बुक आती है और अरिहंत की भी बुक आती है, या घटना चक्र का UP में जो बुक आता है उसमें भी आपको GK बहुत ही डिटेल में और क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, ये सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपोनेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कंपोनेंट एंड फंक्शन। उसके बाद आता है प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मशीनरी, पोस्ट 1992 रिफॉर्म्स इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मशीनरी, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड रोल ऑफ NGOs। अगला जो टॉपिक है इंडियन रूरल सोसाइटी, उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं इंडियन सोसाइटी के, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। रूरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिलीजियस एंड कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रूरल सोशल चेंजेस, ए संस्कृतिजेशन एंड बी वेस्टर्नाइजेशन, और तीसरा जो है वो मॉडर्नाइजेशन, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वराज, जयंती, ग्राम स्वराज योजना,
और जो है कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सेंट्रल स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट और स्टेट डेवलपमेंट, इन दोनों टॉपिक्स के हमको पढ़ना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स निकाली गई है विलेज डेवलपमेंट के लिए, वो है हमारा आदर्श ग्राम योजना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वजल धारा योजना, राजीव गांधी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम्स, NRLM, इंडिया आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑल्सो फोकस ऑन द लेटेस्ट स्कीम रन बाई NDA गवर्नमेंट लाइक संसद आदर्श ग्राम योजना और IWMP या और भी जो अभी रनिंग में होंगी योजनाएं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स को लॉन्च किए हैं विलेज डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आता है किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवहन योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, सुधा पेयजल योजना रन बाय प्रेजेंट UP गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है अभी, और पेंशन योजना है ये भी रन हो रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या विद्या धन योजना, ये जितने भी योजनाएं निकाली गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रेजेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। तो क्या क्या इस योजना में है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी सिलेबस हमने डिस्कस किया उसे किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से बुक्स को हम लोग प्रीफर करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए या अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि वो कम नंबर का या ज़्यादा नंबर का आ रहा हो तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, सारे सब्जेक्ट्स पे हमें इक्वली इम्पॉर्टेंस देना होगा और सारे टॉपिक्स को क्लियर करना होगा, ताकि आपका कोई भी अगर वीक पोर्शन है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सके। अपने प्रिपरेशंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो भी बेसिक्स हैं आपके ग्रामर से लेकर जो भी लोकोक्ति या मुहावरे या संधि विच्छेद कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो लूसेंट की समान हिंदी की बुक आती है जिसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो आप जो है आदित्य पब्लिकेशन की समान हिंदी की बुक आती है उसे ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रिपरेशंस को चेक कर सके कि हमारी बेसिक्स क्लियर है या नहीं, या हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है गणित की, जिसमें आपको सारे बेसिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर हम लोग GK की बात करें तो GK की लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, और घटना चक्र की आती है, दोनों में से आप किसी को प्रिफर कर सकते हैं। दोनों बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ हर एक टॉपिक क्लियरली इसमें दिया हुआ है। और अगर हम लोग करेंट अफेयर की बात करें तो आप करेंट अफेयर की जो है अरिहंत पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, और महासागर पब्लिकेशन की भी आती है। और अगर हम लोग यूपी स्पेशल की बात करें यानी कि स्टेट यूपी में क्या क्या हो रहा है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं स्पेशल यूपी में, तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक लेंगे जिसमें आपको यूपी से रिलेटेड जितने भी प्लानिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप उससे डील कर सकते हैं। अगला अगर हम लोग बात करें रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी की, तो इसकी जो है अरिहंत पब्लिकेशन की आती है एक ग्राम समाज विकास, और UPSSC के नाम से आती है अरिहंत पब्लिकेशन की ही ग्राम समाज एवं विकास, और घटना चक्र की भी आती है, तो आप कोई भी बुक में प्रिफर कर सकते हैं। और अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग तो हमें तब पढ़ना होगा जब ये जो भी संभावनाएं हैं अगर ये ऐड करती है UPSSC तब पढ़ना होगा, अदरवाइज ये आपको अभी प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी हमारा 4 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है आना ही आना है उसी का प्रिपरेशन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रामीण परिवेश की प्रॉपरली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।